नगर निगम के वार्ड संख्या 22 के अंतर्गत कृष्णा बिहार कॉलोनी में इन दिनों लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, जिसे लेकर कॉलोनी वासियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर एक शिकायती पत्र सौंपा है। शिकायती पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि कृष्णा बिहार कॉलोनी में ना तो पक्की रोड है और ना ही नाली है, जिससे आए दिन कॉलोनी में जल भरा बना रहता है। दूषित पानी जमा हो जाने से गंदगी का अंबार लगा है। आए दिन लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसे लेकर नगर निगम के वार्ड संख्या 22 की पार्षद अनिता गुजर से इस समस्या का निदान कराने के लिए कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, ना कि किसी तरह का सुधार कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि गली में जानवर घर में घुस जाते हैं और लोगों पर हमला भी कर देते हैं, जिसके कारण कई लोग घायल हो चुके हैं। इन जल समस्याओं को लेकर कॉलोनी वासियों द्वारा एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी के नाम बुधवार को सौंपा गया। मांग की है कि उनकी इस समस्या को जल्द से जल्द निवारण किया जाए। मेरा नाम जगदीश शर्मा है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कृष्ण विहार कॉलोनी है, 22 नंबर। वार्ड में वहाँ की साहब सबसे बड़ी गंदगी की समस्या है। गली गंदी पड़ी है, पानी फैला हुआ पड़ा है गलियों में, कच्चा रास्ता है। 30-35 वर्ष हो गए, अभी तक कोई निर्माण नहीं हुआ है वहाँ पर किसी भी तरह का। वहाँ के पार्षद कौन है, वो क्या शिकायत की आपने? पार्षद वहाँ पर अनीता गुजर हैं, उनसे हमने शिकायत की है, तो वहाँ से आश्वासन एक बार तो दे दिया हो जाएगा, फिर दोबारा मिले तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे वार्ड में नहीं आती है और तुम लोगों ने वहाँ से कोई वोट नहीं दिए, इस तरीके से बोल दिया हमसे। और फिर आज यहाँ जिलाधिकारी कर रहे हैं तो क्या हुआ? यहाँ महोदय जी के यहाँ हमने प्रार्थना पत्र दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है, जैसे पहले आश्वासन मिलते रहे हमें। लगातार 5 वर्ष से हम जगह जगह जा रहे हैं एप्लीकेशन लगाने, तो उसी तरह से यहाँ से आश्वासन मिला है कि जल्दी ही टीम गठित करके आपके यहाँ भेजी जाएगी और सर्वे कराई जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।